उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से कलयुगी बेटे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कलयुगी बेटों ने अपनी मां को बुरी तरह से पीट डाला है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम। जहां मामूली विवाद को लेकर बिस्तर ना मिलने के चलते बेटों ने मां की कर दी पिटाई और मां पहुंची तहसील फरीदपुर SDM से न्याय की गुहार लगाने और बेटे पर कार्रवाई की मांग करने आई है। डालते उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की इस खबर पर नजर, मोहम्मद आजिब की एक रिपोर्ट। कहाँ रहती हो? फरीदपुर। कितना मारा, क्या मामला है? हमारे बड़े लड़के हैं दो, प्रदीप और निखिल, उन्होंने मारा मुझे डंडे से। क्यों? बिस्तर को लेके मारा कि मुझे बिस्तर नहीं दिया, मेरा आदमी घर पर नहीं था, गाड़ी चलाने चले गए। एक महीने से हमारे घर रह रही, मैं अपने लड़की दामाद के घर रह रही थी, मैं एक दो महीने के बाद आई रात में, 22 तारीख की रात में पापा हमारे चले गए। 22 तारीख की रात में आए हम और रात के 11:30 बजे मुझे मारने लगे, शराब पी के दोनों। उसकी पत्नी ने अभी दारू पी के आई होटल पे, और अपना भी आई है, उसने शादी नहीं की है, अभी ऐसी रह रही है। आपने घर पे गए थे, कहाँ गए थे आप? हम अपने घर पे गए 2 महीने के बाद। लड़के क्या करते हैं? लड़के गाड़ी चलाते हैं दोनों। कहाँ से मारा तुम्हें? डंडे से। शराब पीते लड़के दोनों? हाँ, दोनों पीते हैं। पति क्या करते तुम्हारे? गाड़ी चलाते हैं। ये हमारे पापा। अब क्या चाह रही हो? हम चाह रहे हैं हमारे लड़कों को जेल हो जाए, मुझे सबर नहीं मिलेगा जब तक। आपने इस मामले में थाने में शिकायत की थी? जी की थी। दो चीता थाने गए थे भाग के, तो उनके लिए चीता वालों को लेके गए, चीता वाले मेरे साथ गए और घर पे जाके लड़कों ने जब उन्हें घूस दे दी तभी बोले इनके 4 लाठी और मारो, और हमसे बोले तू घर से निकल जा। और इस लड़की के भी सर में चोट लगी, इसके सर फाड़ दिया, ये बालों में लड़की का सर फाड़ दिया। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।